और आईजी सिंध कलीम इमाम की जेर सदारत अमनो अमान पर इजलास हुआ। स्ट्रीट क्राइम्स में मजमूई तौर पर 7% कमी वाकई हुई। आईजी सिंध की इजलास में ब्रीफिंग कहते हैं, इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स में कराची छठे से 88वें नंबर पर आ गया है। पुरअमन कराची के वायस गैर मुल्की सयाह आ रहे हैं। आई जी सिंध कलीम इमाम की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें AIG ऑपरेशंस ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि FIRs के इंदराज में 23% इजाफा हुआ है। इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारियां 54%, जबकि मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारियों में 41% इजाफा हुआ है। इस मौके पर आईजी सिंध कलीम इमाम ने कहा है कि लोगों को इंसाफ फराहम करें, आवाम के एतमाद को फरोग दें और उनमें पुलिस का इमेज बेहतर बनाएं। इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स में कराची छठे से 88वें नंबर पर आ गया है। पुरम सिंध और कराची के बायस दुनिया भर से गैर मुल्की मंदूबीन और सयाह आ रहे हैं।